हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। द सब्जेक्ट इज हाईवे इंजीनियरिंग यूनिट फोर्थ, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल्स, इन विच वी विल डिस्कस वाटर बॉर्न मैकेडम रोड्स, WBM। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी कंक्लूड अ नंबर ऑफ टॉपिक ऑफ यूनिट फोर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल्स। This is the lengthy, you can say a vast or a number of topic included, important number of topic included in construction of roads, pavement and materials. That's why the lecture is further a number of lecture required in this unit to complete, to conclude this unit, construction of roads, pavement and materials. So be patient, keep patience for this unit. After we conclude the fourth unit, construction of roads, pavement and materials, we jump in traffic engineering, that is unit 5, okay. And after that 6, 7, 8 respectively, hill roads, drainage roads, drainage of roads, maintenance and repairs of roads, okay. First of all, we will discuss 4.5 waterborne macadam roads, in which we will discuss materials, use, size and grading of aggregate and screening, construction procedure including precautions in rolling, etc. Included in waterborne macadam roads. ये highway engineering का चौथा unit construction of road pavement and materials है, जिसके अंतर्गत हम लोग कई सारे topic को conclude समाप्त कर चुके हैं और कुछ करने को बाकी। आज का हमारा टॉपिक है वाटरबॉर्न मैकेडम रोड्स, जिसको WBM के भी नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग इसका यूज, मटेरियल्स, साइज और ग्रेडिंग एग्रीगेट और भी ढेर सारे चीज़ों को हम लोग जिक्र कर रहे होंगे। ये यूनिट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट एंड मटेरियल्स, जो चौथा यूनिट है, वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा ज़्यादा इस टॉपिक में, इस यूनिट के अंतर्गत ढेर सारा टॉपिक है जिसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद वाला टॉपिक, इसके बाद वाला यूनिट हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग होगा और उसके बाद 6, 7 और 8 वाले यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 4.5 जो कि है वाटर बॉन्ड मैकेडम। स्टार्ट करने से पहले कुछ आवश्यक सूचना या इम्पोर्टेंट नोटिस कि आप लोग लाइव चैट पे आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, इन द सेंस हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसका आंसर वहीं पर देने की हम कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग का अटेंडेंस जो है वो आप कमेंट बॉक्स पे देकर सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। कंफर्म योर अटेंडेंस ओनली ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मटेरियल्स यूज इन WBM रूट्स, चलो। द मेन मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन of WBM road is coarse aggregate, which is an angular material formed by crushing stone of uniform quality। मतलब जो मुख्य materials की बात करें, किसकी, WBM road की, तो वो कौन सा है, coarse aggregate, which is an angular material। किस तरह का material होता है ये, angular मतलब एंगल बना हुआ, एंगल इन द सेंस देखे होंगे आप पत्थर के टुकड़े को, कभी कभी होता है राउंड शेप की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है ये, कौन सी बात कर रहा है ये, एंगुलर का। तो द मेन मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड इज कोर्स एग्रीगेट, और कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोज और विद द हेल्प ऑफ लेक्चर। इफ वी समराइज द कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, that sand is the very important or very good examples of fine aggregate, and stone is a very good example of coarse aggregate, that's why. And what are the difference between coarse and fine, what are the sieve size, that is another thing, okay. Now, which is an angular materials formed by crushing stone of uniform quality, matlab ek uniform quality ka stone ko hum jab crush kar dete hain, todte hain, crush, ठीक है ना, तोड़ते हैं, तो एक एंगुलर टाइप का स्टोन से हमें प्राप्त होता है, जिसको हम लोग एंगुलर मटेरियल के नाम से जान रहे हैं, एंगुलर क्रॉस एग्रीगेट के नाम से जान रहे हैं, जो कि WBM यानी वाटर बॉन्ड मैकेडम के
मटेरियल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। आगे ट्रैक रॉक विथ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंजिंग फ्रॉम 2 and 8 to 3.1 इज द मोस्ट डिजायरेबल स्टोन फ्रॉम विच एग्रीगेट इज फॉर्म्ड। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है SG से, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिन स्टोन का इसके अंतर्गत स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता है या सबसे ज़्यादा यूजेबल माना जाता है, किसमें, हमारा WBM वाटर बॉन्ड मैकेडम, राइट। कोर्स एग्रीगेट इज फॉर्म बाय क्रशिंग स्टोन इन द मैकेनिकल क्रशर और बाय हैंड ब्रेकिंग ऑफ स्टोन। अब ये कोर्स एग्रीगेट जो है, चलो ठीक है, कोर्स एग्रीगेट कहाँ से हमें मिल रहा होता है, हमें ये क्रश के द्वारा मिल सकता है, इन द सेंस क्रशर के द्वारा मिल सकता है, क्रश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, ठीक है ना, और या तो हम लोग हैंड मतलब हथौड़ी, ठीक है ना, हैमर से हम लोग इस पर हाथ हैमिंग करते हैं और वो पत्थर टूट जाता है, दैट इज कोर्स एग्रीगेट, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्रश स्लैग ओवर बर्न्ड ब्रिक एग्रीगेट और एग्रीगेट अवेलेबल नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ कंकर लेटराइट इज ऑल्सो यूज फॉर WBM रोड इन एडिशनल टू द कोर्स एग्रीगेट स्क्रीनी आर यूज एज फिलर मटेरियल। क्रश स्लैग मतलब ओवर बर्न्ड ब्रिक एग्रीगेट मतलब क्या है, क्रश स्लैग मतलब, अब देखो स्लैग क्या होता है, जैसे अब क्रशर के जहाँ पर मशीन क्रश कर रहा होता है किसको, स्टोन को, तो क्या होता है वहाँ से पाउडर फॉर्म में निकलता है, दैट इज स्लैग। ओवर बर्न्ड ब्रिक एग्रीगेट, अब देखो ज़्यादा भी तप जाता है ईंट के भट्टे में, क्या होता है ज़्यादा तप जाता है कौन, ईंट, ठीक है ना, ब्रिक जिसको बोलते हैं, और एग्रीगेट अवेलेबल नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ कंकर लेटराइट इज ऑल्सो, मतलब कंकर के फॉर्म में रहता है, ये सब की WBM में काम आ रहा होता है, ठीक है। एग्रीगेट स्क्रीनिंग आर यूज एज फिलर मटेरियल, स्क्रीनिंग मतलब क्या, चलनी, चालना, छानना, तो उसको भी WBM में यूज करते हैं। एज फार एज पॉसिबल स्क्रीनिंग शुड बी ऑप्टेन फ्रॉम द सेम मटेरियल्स एज द कोर्स एग्रीगेट, सही बात। अब ऐसा थोड़ी है मिट्टी में हम ये ढूंढ रहे होंगे पत्थर को, नहीं, पत्थर के जहाँ पर रहने का संभावना है वहीं पर हम उसको चाल रहे होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, साइज एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन, साइज एंड ग्रेडेशन, देखो टेबल में क्या दिया हुआ है, बिलो मेंशन द IRC इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसिफिकेशन के द्वारा साइज और ग्रेडिंग दिया हुआ है। चलिए 90 से 40 mm के रेंज के बीच में किसके किस सीप का यूज कर रहा जाता है, 100, 80, 63, 40 और 20, 100, 80, 63, 40 and 20, 90 to 40 mm रेंज साइज का, कौन सा एग्रीगेट के साइज का हम लोग 100, 80, 63, 40 और 20 mm के सीप साइज को करते हैं। मटेरियल पासिंग द सीप परसेंटेज बाय वेट, मतलब वेट परसेंटेज क्या होता है, 65 से 85, 25 से 60 और 0 से 15 और 0 से 5, ठीक है ना, इतना परसेंटेज पास होना चाहिए उससे, ठीक है, मटेरियल पास द सीप। 63 to 40 mm का बस सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना, 50 to 20 mm सेम प्रोसीजर है, सारा परसेंटेज दिया हुआ है, और नीचे जो दी गई है टेबल, सोज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट एज पर IRC रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रस एग्रीगेट क्या है, सब बेस के लिए। अगर टेस्ट की बात करें तो लॉस एंजलस एब्रेशन जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ये भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चरों के सहारे, जिनको नहीं पता है वो जा सकते हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, और BIS टेस्ट, IS 2836, ये सब जो दिया हुआ है इस टेस्ट के प्रकार दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, 30% मैक्सिमम, 40% मैक्सिमम, ये लॉस एंजलस वैल्यू और इम्पैक्ट वैल्यू है। बेस के लिए लॉस एंजलस भी भरे हैं, फ्लैकीनेस, ठीक है ना, एलोंगेशन वही है फ्लैकीनेस, उसको भी पढ़ चुके हैं एग्रीगेट में, राइट। तो ये सब चार्ट दी गई है, इसके सहारे हम समझ सकते हैं, ठीक है।
अब क्या है WBM का कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ WBM सून इन बिलो देखते हैं। सो द टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ WBM रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड पेवमेंट कंप्राइजिंग द फॉलोइंग स्टेजेस, प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड, प्रिपरेशन ऑफ बेस कोर्स, इंटरमीडिएट लेयर, वियरिंग सरफेस एंड शोल्डर्स। देखते हैं ये रहा आपका क्रॉस सेक्शन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ WBM। देख लो इसमें सबसे नीचे वाला पोर्शन जिसको सब बेस कंसिस्टिंग ऑफ अ कोर सेंट वो बोल सकते हैं, उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर क्या है फाउंडेशन और बेस कोर्स, जिसमें बड़े बड़े आप चट्टान बोल सकते हो या बड़े बड़े पत्थर बोल सकते हो, बोल्डर्स जिसको बोलते हैं उसको बिछा दिया जाता है। अ लेयर ऑफ स्टोन स्क्रीनिंग, छोटे छोटे कंकर, छोटे कंकर उसको यूज कर रहे हैं। अ लेयर ऑफ फिलर मटेरियल्स, अ लेयर ऑफ फिलर मटेरियल्स, फिलर मटेरियल्स मतलब अब वो जो पोर्स क्रिएट हो जाता है पत्थर के ऊपर उसको भरने के लिए, ठीक है। थिन ब्लिंडेज या ब्लिंडेज लेयर, ठीक है, पतला सा लेयर एक बिछाते हैं जिसको बालू भी बोल सकते हैं, सैंड भी बोल सकते हैं। फिर पेवमेंट सरफेस, उसके ऊपर हम पेवमेंट बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं, इसको हम लोग वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड बोलते हैं। बाजू में देखो ब्रिक एज दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है कि मटेरियल इधर से उधर ना, ठीक है, और सबसे उधर शोल्डर्स दिया हुआ है, देख लो शोल्डर्स दिया हुआ है, बीच वाले में कैम्बर भी दिया हुआ है, एलिवेट किया गया है बीच वाले को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें WBM वाटर बॉन्ड मैकेडम में यूज होता है। ये सबसे क्रॉस सेक्शनल था किसका, WBM का, राइट। ये जो दी गई है प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड, ठीक है ना, कि कितने mm का होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, कितने बार रोलर करना चाहिए, कितने टन का वेट उसमें लगेगा, 8 से 10 टन का वेट का, ठीक है ना, 10 से 15 सेंटीमीटर रोल प्रॉपरली, ये सब क्या है थिकनेस किसी भी चीज़ का ग्रेवल का, ये चीज़ क्या है प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड को बनाने में क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो दिया हुआ है। उसके नीचे क्या है प्रिपरेशन ऑफ अ बेस कोर्स, ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग सबग्रेड को तैयार किए हैं तो बेस कोर्स को भी तैयार करने के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल का कितना थिकनेस होना चाहिए, मटेरियल को कितने टन पे हम लोग रोल्ड करेंगे एटसेट्रा, ये सारे चीज़ें यहाँ दी गई है। इंटरमीडिएट लेयर के लिए सेम एज इट इज़, वियरिंग सरफेस के लिए सेम एज इट इज़, ठीक है, वियरिंग सरफेस के लिए सेम एज इट इज़। उसके बाद क्या है हमारे पास शोल्डर्स, शोल्डर्स आप लोग कितने बार पढ़ लिए हैं, वाइल द सरफेस इज बीइंग क्योर्ड शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड बाय फिलिंग द अर्थ बियॉन्ड द वियरिंग सरफेस टू द डिजायर्ड क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप के लिए शोल्डर्स यूज किया जाता है, ठीक है। द शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड विद अ रिलेटिवली स्टीपर स्लोप, द शोल्डर्स आर कम्पैक्टेड बाय लाइट रोलर, मतलब हल्के रोलर से उसमें कॉम्पैक्शन दी जाती है, ठीक है ना, और ये प्रोवाइडेड स्टीपर होता है, ज़्यादा स्टीपर होता है रोड के सहारे, रोड से, ठीक है ना, कंपेरिजन टू। अब जब रोलिंग कर रहे हैं WBM में वाटर बॉन्ड मैकेडम में तब हम किस चीज़ों का ध्यान रखें वो उसके बारे में दिया है। रोलिंग ऑफ WBM सरफेस शुड बी डन बाय अ रोलर ऑफ 8 to 10 ton वेट, मतलब 8 से 10 टन का वेट का रोलर को ही हम यूज करें WBM में। रोलिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एज एंड कंटिन्यू टूअर्ड्स द क्राउन, मतलब एज से स्टार्ट करना चाहिए, एज मतलब बाहरी हिस्से से अंदर की तरफ मतलब जहाँ पे आपका कैम्बर के क्राउन है, ठीक है ना। देयर शुड बी अ ओवरलैप बिटवीन सक्सेसिव रोलिंग स्ट्रिप, क्या होता है मान लो एक रोलर चला एक बार फिर दूसरा चला तो ऊपर नीचे होने का संभावना बढ़ जाता है, तो उसको ध्यान में रखना होगा। द लेंथ ऑफ ईच रोलिंग शुड बी अराउंड 200 मीटर, एक बार में 200 मीटर गया फिर 200 मीटर आया फिर 200 मीटर गया, इस तरह का रोलिंग का प्रोसीजर अपनाना चाहिए। द रोलर शुड नॉट बी रिवर्स एट वन एंड द सेम प्लेस, मतलब अब ऐसा नहीं कि एक बार गए और फिर उसी पे रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तुरंत उसी पे नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड एंड नॉट पोर्ड बाय बकेट वाइल रोलिंग, अब क्या है वाटर, अब क्या होता है बकेट मतलब देखोगे रोलर पे भी एक वाइपर, अब तो बहुत हाईटेक रोलर आ गया वाइपर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, वाइपर के सारे उसके चक्के को साफ किया जाता है, ऐसा नहीं कि पानी उसमें उढ़ेल देना है। द रोलिंग शुड बी डन
फॉर अबाउट 80 पासेस अंटिल रिफ्यूजल, मतलब 80 पासेस मतलब 80 बार कम से कम उस पर ये होना चाहिए, इतना होता नहीं है, अबाउट 80 पासेस इतना नहीं होता है। इन एनी केस ऑफ द रोलिंग शुड बी डिसकंटिन्यूड व्हेन द एग्रीगेट इन द रोड सरफेस स्टार्ट क्रशिंग अंडर द रोलर। अब देखो क्या होता है कि रोलर के, अब एक और पहचानने का तरीका, अगर रोलर चल रहा है बार बार आगे पीछे हो रहा है, 200 मीटर गया 200 मीटर आया, तो क्या होगा कि वो दबने लगेगा। अब ऐसा इतना भी नहीं दबाना है उसको कि वो एग्रीगेट फिर से टूटने लगे, ठीक है ना। आगे है डिफेक्ट्स इन द रोड, देख जैसे क्रशिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्रीगेट, अभी अभी हम बात किए हैं कि ढेर सार टाइम, ज़्यादा टाइम बार अगर चलाओगे आगे पीछे करोगे तो हो सकता है वो कमज़ोर पड़ जाए। क्रूगेशन, ये सारी चीज़ें डिफेक्ट हैं। पॉटहॉल्स एंड रट्स, ये हम जान चुके हैं। मेंटेनेंस ऑफ WBM, आगे दूसरा यूनिट। तो ये तो था हम लोग का 4.5 जो कि वाटर बॉन्ड मैकेडम, ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जिक्र किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक 4.6 कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिन रोड्स, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान दीजिए इसी यूनिट पे, इसी वाले वीडियो पे, इसी वाले लेक्चर पे कि क्या कह रहा है एक्चुअली में, क्या कहने की कोशिश कर रहा है बुक्स का लैंग्वेज, है ना, या कंस्ट्रक्शन रोड्स पेमेंट एंड मटेरियल्स को। फिर से वही बात, आप लोग अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे दीजिए और लाइव चैट पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का जो कि 4.6 होगा। तब तक के लिए थैंक यू।